हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एनसीपी की तरह से शिवसेना जिस तरीके से लगातार ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सवाल उठाए गए हैं और एनसीपी की तरह ही शिवसेना ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये सबको मालूम है, ऐसा करने से महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरेगी, ऐसा करने वाले भ्रम में हैं, वो आमी भी लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मामला चल रहा है ईडी सीबीआई या और भी केंद्रीय जांच यंत्रणा की तरफ से, ये क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या है मंशा, ये सबको मालूम है। ये सब करने से महाराष्ट्र की सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी, उसका मनोबल गिरेगा, ऐसा किसी को लगता है तो वो भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब चाहे आर्मी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।